व्यूअर्स, मैं संदीप, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनराइजर्स एजुकेशन विला में हमारी टीम की तरफ से आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखिए, एक परीक्षा में एक परीक्षा है उसमें 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है, तथा बी उसी परीक्षा में 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सॉल्यूशन आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए, जो आपको ए और बी के जो मान दे रखे, यानी जो अतिरिक्त और कम मान दे रखे, यानी पासिंग मार्क्स से कम और पासिंग मार्क्स से ज्यादा। ठीक है, कम अंक, ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो ए का मान भी लिख सकते हो, या बी का मान कौन से है भाई, ये वाला 40 अंकों से फेल हो जाते हैं, यानी पासिंग मार्क्स से 40 अंक कम है ना, प्लस में अधिक अंक, अधिक अंक डिवाइड आप इससे करोगे, और ए और बी की जो परसेंटेज है, ठीक है, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज है वो आपको पहले लेनी है, बी परसेंट, ठीक है, माइनस ए परसेंट, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100। ठीक है, क्लियर है। तो कम अंक कितने 40 है, ज़्यादा अंक कितने 40 है, ठीक है, बी परसेंट कितना है 60%, यानी 60 हो गया, ए परसेंट कितना है 40 है, माइनस 40 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये जो 100 है ना, किसका इनकी जो परसेंटेज आई है ना, उसका ये 100 आया है आपको। ठीक है, क्लियर है। 40 40 40 को आप ऐड करके तो 80 होएगा, 16 से 40 कटाएंगे तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 200, 2 1 2 2 4 8 4 1 4 400। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 400। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हुई, यदि ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल सनराइजर्स एजुकेशन विला। जय श्री राम।